वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट वाली वीडियो। हेलो नमस्ते, मैं अमित, आपका स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। क्या आप अपने फोन के फोटो, वीडियो, गाने मेमोरी कार्ड यानी एसडी कार्ड में करना चाहते हो? क्या आप जानना चाहते हो कि आप खुद से अगर आपके मोबाइल में फोटो पड़े हैं, वीडियो या गाने जिसकी वजह से आपके मोबाइल की स्टोरेज फुल हो रही, आप चाहते हो कि उन्हें हम अपने एसडी कार्ड यानी मेमोरी कार्ड में कैसे ट्रांसफर करें? तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, पूरा प्रोसेस आज हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपका हमसे कोई क्वेश्चन या आंसर, आप कुछ हमसे बात करना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आइए चलते हैं हमारे साथ मोबाइल पे, हम आपको ये करके बताते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने मोबाइल पे आ चुके हैं। अब आपको सिंपल से अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में चले जाना है। आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, आपके मोबाइल में फाइल मैनेजर का ऑप्शन जरूर होगा। तो आपको सिंपल से फाइल मैनेजर के ऑप्शन पे चले जाना है। तो अब हम अपने फाइल मैनेजर में आ चुके हैं। आपको इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, ऐप, डाउनलोड, व्हाट्सअप। आप किसी भी, यदि आप ऐप को ऐप जो आपके मोबाइल में ऐप है आप उसे मेमोरी कार्ड में करना चाहते हो उसे भी कर सकते हो, या फिर आपने कोई चीज़ डाउनलोड की हुई है उसे मेमोरी में करना चाहते हो उसे कर सकते हो, या फिर कोई इमेज है, वीडियो है, कुछ भी अगर आपके मोबाइल इंटरनल स्टोरेज यानी मोबाइल के स्टोरेज में कोई भी डाटा है वो आप उसे मेमोरी में सेव कर सकते हो। जैसे कि अब हम आपको जैसे कि ये इमेज सेव करके दिखाएंगे। जैसे कि हमने इमेज पे क्लिक किया, ये हमारी जो मोबाइल में इमेज है, से ये एक इमेज यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप एक, दो से तीन से चार भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। लेकिन हम आपको दिखाने के लिए एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं और ये मूव का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। मूव के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस में करना चाहते हो, एसडी कार्ड, तो एसडी कार्ड में सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो इसके पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके, और दोस्तों देखो ये जो अब आपका जो है एसडी कार्ड में आ गई है इमेज। अब अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपके एसडी कार्ड में इमेज है तो आपको सिंपल से ये एक इस ये बराबर में मेमोरी का ऑप्शन बन होगा, इस पे चले जाना है। जाने के बाद अपने एसडी कार्ड पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे चले जाना है। जाने के बाद एसडी कार्ड के ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे देखो ये जो इमेज है ये यहाँ पे सेव हो चुकी है। इसी तरीके से यदि आप कोई वीडियो भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि अगर हमारे पास ये इस वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर देने के बाद वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद तो ये जो वीडियो है, वीडियो को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाके इसको मूव कर दिया। मूव करने के बाद इसको एसडी कार्ड से फिर से सिलेक्ट कर लेंगे और ये यहाँ पे जाके ये सेव हो जाएगी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये आप इमेज और ये फ़ोटो आप इस तरीके से सेंड कर सकते हो। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि इसको आपको बैक जाना है फिर से यहाँ पे, और जैसे कि यहाँ पे हमारा मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद अब आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद जो भी आपके पास पीडीएफ फाइल है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है और फिर से ऐसे मूव के ऑप्शन पे जाना है और एसडी कार्ड सिलेक्ट करके ये पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है ये पीडीएफ बन के डॉक्यूमेंट इस तरीके का यहाँ पे ये आ चुका है। तो दोस्तों देखो ये जो है ये आपका यहाँ पे पेस्ट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल का कोई भी डाटा हो, चाहे वो फ़ोटो हो या वीडियो हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी डाटा हो या फिर एप्लीकेशन हो, तो आप अपनी मेमोरी में इस तरीके से सेव कर सकते हो और अपने मोबाइल की जो इंटरनल स्टोरेज है उसे डिलीट मार के जो ये सारे डाटा है वो अपने मेमोरी कार्ड में स्टोरेज कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।